यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल के कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दोबारा से वार्षिक प्रणाली लागू कर दी गई है। अब प्रथम बैच के छात्र वार्षिक प्रणाली से पढ़ाई करेंगे, जबकि दूसरे और तीसरे बैच में सेमेस्टर सिस्टम ही लागू रहेगा। हिमाचल में 2013 में रूसा प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम के तहत परीक्षाएं होती थी। रूसा लागू करने पर काफी विरोध हुआ है। वहीं विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रूसा को खत्म करने का वादा मैनिफेस्टो में किया था, और अब सरकार ने सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दोबारा से वार्षिक प्रणाली लागू कर दी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने इसको लेकर पूर्व वीसी सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिन्होंने छात्रों शिक्षकों से बातचीत कर सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा सेमेस्टर के चलते छात्रों को दूसरे गतिविधियों के लिए समय नहीं मिल पा रहा था और टीचिंग डे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसका छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी विरोध कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 810 करोड़ का शिक्षा बजट मंजूर किया है। इस बजट को प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।